अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने लगे हैं पाइनएप्पल फ्रेश क्रीम केक। ये बहुत इजीली आप लोग घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1 कप से 1.5 कप तक आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको इतना बीट करना है कि ये जो है सही तरीके से व्हिप्ड हो जाए। तो ये देखिए हमारी क्रीम जो है वो व्हिप्ड हो चुकी है। अब हम लोगों ने जो है स्पंज केक लेना है। इस स्पंज केक की रेसिपी ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब जी ये पाइनएप्पल जूस लिया है, इसको जो है डाल के अच्छे तरीके से सोक कर लेंगे केक पे। और जी ये अब हमने जो है व्हिपिंग क्रीम अपनी डाली और इसको जो है स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर जो है वो पाइनएप्पल के चंक्स डाल देंगे। अब इसके ऊपर जो है वो हम केक का दूसरा हिस्सा ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर जो है पाइनएप्पल जूस डाल के इसको सोक कर देंगे। वो वाला क्लिप मुझसे जो है वो मिस हो गया था रिकॉर्ड होना, तो आपने उसके पहले सबसे पहले सोक करना है केक को और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो आइसिंग कर लेनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी क्रीम करके लगाते हैं ताकि जो क्रम्स केक के हैं वो साथ ही साथ चिपक जाएं। एक दफ़ा जो है पतली देखे मैंने लेयर लगा दी। अब जो है मैं और क्रीम डालूंगी और अब इसकी सही तरीके से आइसिंग होगी ताकि जो सारे क्रम्स हैं वो एक ही मतलब अंदर ही रह जाएं, ऊपर नहीं आए। तो सबसे पहले आप पतली लेयर लगाएं और उसके बाद फिर जो है वो आप मोटी लेयर कर लें केक की, जितनी भी आपको मोटी लेयर पसंद है। ये दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके बाद जो है वो आप लोग इजीली इसको जो है वो बना सकते हैं। और ये मेरे पास जो है ये स्पेशली पैलेट नाइफ्स होती हैं। ये इजीली डॉलर स्टोर्स पे जो है 150 से 200 के बीच में आपको जो है इसके सेट्स अवेलेबल होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने केक वगैरह बनाने होते हैं तो अच्छा होता है कि इस तरह की चीज़ें आप लोगों के पास हों। नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं, नो इशू। अब ये देखिए मेरे पास दूसरी नाइफ है, उसके ऊपर जो है मैं इसको प्लेन कर करके जो है वो दूसरी नाइफ के ऊपर पोंछती जा रही हूँ। ये देखिए मैंने आपको नोजल दिखा दी है कौन सी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाला, आगे से जो है इसको मैं कट करूँगी ताकि जो है वो सही तरीके से नोज़ल बाहर को आ जाए। उसके बाद हम इसको फिल करेंगे और आइसिंग कर लेंगे जैसे भी रिक्वायर्ड है आपको, जैसा भी डेकोरेट आप लोग करना चाहते हैं। ये पाइपिंग बैग्स बहुत इजीली ऑनलाइन स्टोर से मिल जाते हैं, अगर आप ले लें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैंने सारा जो प्रोसीजर है वो फास्ट फॉरवर्ड किया है। ये ना समझिएगा कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, ये बहुत स्लो स्लो होता है काम, तभी शायद थोड़ा बहुत बेहतर बन जाता है केक। अब जी ये जो मेरे पास पाइनएप्पल स्लाइसेस किए हुए थे इसको जो है वो मैं ऊपर डाल के डेकोरेट कर दूंगी। ये मेरे हस्बैंड के बर्थडे का केक था जो मैंने उनके बर्थडे के लिए बनाया था। अब ये देखिए जो थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी उसके और मैंने अंदर मैंने जो है वो ब्लू कलर डाल दिया और उससे मैं अपने हस्बैंड का नाम लिख दूंगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।